दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अमानवीय कृत्य का विरोध करते हुए आयरा प्रेस क्लब द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कानपुर जिला अधिकारी को देकर अपना विरोध जताया गया। पत्रकार हितों के लिए कार्य करने वाली एकमात्र संस्था आयरा प्रेस क्लब, जिसको हम ऑल इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन आयरा के नाम से जानते हैं, जो समय समय पर पत्रकारों की आवाज बनकर पत्रकार हित की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ने का कार्य करती है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से समस्त पत्रकार जगत में दिल्ली पुलिस के लिए आक्रोश दिखा। दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए इस निंदनीय कार्य का आयरा प्रेस क्लब ने विरोध करते हुए राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन कानपुर जिला अधिकारी के माध्यम से दिया गया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देते हुए आयरा प्रेस क्लब के कानपुर जिला अध्यक्ष एसपी विनायक ने बताया कि उनकी संस्था सदैव ही पत्रकार हितों के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा सम्मानित पत्रकारों के साथ जो कृत्य किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वही इस घटना पर आयरा प्रेस क्लब के जिला महामंत्री जहीर खान ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया ये कार्य दिल्ली पुलिस की मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली पुलिस के उच्चतम पद पर बैठे पुलिस अधिकारियों को तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताएंगे, हम ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा प्रेस क्लब, जो कि पत्रकारों के हित के लिए हमेशा संघर्षशील कार्य करती आई है, इसी संबंध में आज हम जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें अभी 26 तारीख को दिल्ली में एक घटना घटी है कि अरविंद केजरीवाल जी की, जो की दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कुछ पत्रकार साथियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई, जो कि निंदनीय है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो पत्रकार कैसे निर्भय होकर अपना कार्य कर पाएगा। हाल में यह भी देखने को आया था कि अभी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी इस तरह की घटना हुई थी, जहां जिलाधिकारी द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। ये हाल फिलहाल बहुत देखने को आ रहा है कि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। यदि इसी तरह का व्यवहार होता रहा तो हम कैसे निष्पक्ष होकर कार्य कर पाएंगे, इसके लिए हमने राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि उक्त दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।